नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में, और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आपके इस खास कार्यक्रम आपका एमएलए लाइव में आज हम आपके प्रतिनिधि से पूछेंगे हर वो सवाल जो जुड़ा है आपके सरोकार से, आपके हलके के विकास से। तो इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपके विधायक खुद बताएंगे कि उन्होंने विकास को रफ्तार देने के लिए कितने प्रयास किए हैं, जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के लिए आपके जनप्रतिनिधि क्या क्या कदम उठा रहे हैं, और विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास का काम हुआ है, कितनी परियोजनाओं का रोड मैप तैयार हुआ है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे लाडवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक मेवा सिंह। हम विधायक मेवा सिंह से पूछेंगे कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने किए गए कितने वायदों को पूरा किया है, क्योंकि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। और चलिए अब आपको सीधे ले चलेंगे, हमारे साथ लाडवा हल्के के विधायक मेवा सिंह जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे ही जानते हैं कि लाडवा का विकास कितना हुआ है और जो वायदे हुए थे उनमें से कितने वायदे अब तक पूरे हो चुके हैं। मेवा सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। धन्यवाद जी। और मैं सबसे पहले तो इंडिया धन्यवाद करता हूँ की उन्होंने हल्के की लाडवा की समस्याएं जानने का प्रयास किया। जी जी। अब मेवा सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि जब चुनावों में आप गए तो आपने वायदे किए अपने हलके से कि आप अगर जीतते हैं या आपको जनता वहां से जिताती है तो फिर आप उस विकास को रफ्तार देंगे, आप लाडवा इलाके की जो तमाम स्थितियां हैं उसको सही करने का प्रयास करेंगे। कितनी सफलता अभी तक मिली है मेवा सिंह को, आपसे ही मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए आयुष जी, लाडवा हल्के में बहुत सी समस्याएं थी। सबसे बड़ी तो एक पेवा से और युगनगर सहारनपुर पार्क तक फोर लाइनिंग सड़क की बात थी, जो पांच विधानसभा के पेवा थानेश्वर लाडवा रादौर युगनगर को जोड़ने का काम करती है। जी। तीन स्टेट पंजाब हरियाणा और यूपी को जोड़ने का काम करती है, जिसको बखूबी मैंने विधानसभा में उठाने का काम किया। दूसरा, लाडवे के बाईपास एक बड़ी भारी समस्या है। जी। लाडवे जितने भी युगनगर से माइनिंग किया जाए, वो बदरी पत्थर की माइनिंग जो पूरे हरियाणा प्रदेश और दिल्ली राजस्थान में जाती है, वो लाडवे के बाजार से होते चलती है। और लाडवे में बहुत ही छोटा चौक है जहाँ पर सारा दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, बड़ी भारी परेशानी पूरे इलाके को ही नहीं पूरे प्रदेश वासियों को, क्योंकि आपका जिला कैथल हिसार सिरसा भिवानी जितने भी लोग उन्हें चुप जाना होता है वो सारे लाडवा से होकर निकलते हैं और वहाँ जाम में फंसे रहते हैं। ढाई साल विधानसभा में जितने भी विधानसभा के सेशन हुए उन समय मैंने इस समस्या को बखूबी उठाने का काम किया, चाहे लाडवा से साबा फोर लेन की बात थी, चाहे पीपली में बस स्टैंड जिसकी मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की हुई और 7 साल हो गए अनाउंसमेंट किए हुए, उसको भी मैंने बखूबी विधानसभा में उठाने का। और पिछले सेशन में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को मैंने पूछा था कि जब मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट का और जहां पर मुख्यमंत्री खुद 2 बार साइट पे जाके मौका करके आए, अखबारों में टीवी पे खबरें छपी आधुनिक बस स्टैंड पीपली में बनाया जाएगा और 7 साल में उसका काम पूरा हो गया, नहीं बिल्कुल। लेकिन मेवा सिंह जी, यही तो हम लोगों को समझना है ना। देखिए, मुख्यमंत्री ने अगर वहां पे अनाउंसमेंट किया तो जाहिर बात है कि मुख्यमंत्री भी चाह रहे हैं कि भाई लाडवा हल्के के अंदर ये जो समस्या है, बस अड्डे की जो समस्या है, कम से कम वो दूर हो जाए। दिक्कत और परेशानी कहाँ पर आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है ये निर्माण, या फिर उसमें अगर प्रगति नहीं है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि आप तो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, मुझे लगता है आप सबसे बेहतर बताएंगे क्यों नहीं हो पा रहा है। कोई परेशानी नहीं है, जमीन हरियाणा रोडवेज को ट्रांसफर 7 साल हो चुकी है, सिर्फ सरकार की इच्छा शक्ति नहीं अपनाने की, और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री को 7 साल अगर मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट में काम शुरू नहीं होगा बाकी विकास कार्यों का हरियाणा में क्या होगा। इसी तरह से पीपली की जब से हरियाणा प्रदेश बना एक बहुत बड़ी समस्या थी, पीपली के ऊपर से बहुत बड़ी लाइन बिजली की निकलती थी जिसमें 15-20 नागरिक पिपड़ी के वहां पर अपनी जान गंवा चुके थे, ये भी मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट की तारे हटाने की,
इसको भी मैंने विधानसभा में उठाने का काम किया और बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह ने इसमें मेरा पूरा सहयोग किया और मैं उसमें सफल भी रहा हूँ। 13.5 करोड़ का बजट का सैंक्शन हुआ और आज 66 केवी का पावर हाउस है खानपुर कोरिया में और 33 केवी का पावर हाउस है में नया बनने लग रहा है जिसमें जोरों से काम चल रहा है और जितने 66 केवी का पावर हाउस खानपुर कोरिया में बन के तैयार हो जाएगा जितनी भी धात की सप्लाई पीपली पावर हाउस से जाती है वो सारी खानपुर कोरिया से चालू होकर ये तारे पीपली से के ऊपर से निकालने का काम हो जाए। इसमें मैं कामयाबी और बहुत बड़ी समस्या पीपली की थी। दूसरा पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासन में उस टाइम यहाँ पर लाडवे से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए हुआ करता था, करनाल से लाडवा एक 4 लेनिंग सड़क बननी शुरू हुई थी लेकिन उसको करनाल जिले की सीमा तक बनाकर आगे जो कुशेक्षण जिले की सीमा थी लाडवा हल्के 7 किलोमीटर छोड़ दिया गया। उसको मैंने विधानसभा में उठाया, मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि अपने अपने जिले की करनाल जिले की सीमा तक 4 लेनिंग सड़क बना दी और आगे 7 किलोमीटर कुशेक्षण जिले की सीमा क्यों छोड़ दी गई, उसको लाडवे तक बढ़ाना चाहिए था, वहां पर अनेक एक्सीडेंट हुए, वो उसमें भी मैं सफल हुआ, उसका भी 13.5 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन कराकर उसका टेंडर अलाट हो चुका है यार। देखिए मेवा सिंह जी, आपकी बातों में ही देखिए इन बातों का जवाब है। एक तो आपने बिजली की समस्या पे कहा, देखिए कि मंत्री बिजली के जो हैं रणजीत सिंह जी, उन्होंने बहुत सहयोग किया इसलिए वो समस्या को आप समाधान करने में कामयाब रहे। ये जो अभी आप बता रहे हैं लाडवा से लेकर के करनाल तक वाला जो रूट है 4 लेन वाला, उस पर भी आपको लगातार समर्थन मिल रहा है। फिर ये जो बस अड्डे वाली समस्या है ये क्यों दूर नहीं हो पा रही, इसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ऐसी होगी जिसको शायद मुझे लगता है कि अधिकारी या फिर प्रशासनिक अमला समझ नहीं पा रहा। ये उदासीनता की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि शासन की नियत तो दिख रही है। अगर नहीं होता तो हो सकता है कि वो कभी कहते भी नहीं कि यहाँ पर बस अड्डे का उच्चीकरण होना चाहिए या ये सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए। और इसी तरह से पंजाब बार से लेकर हम यूपी बार तक जो 4 लेने की सड़क है बहुत जरूरी सड़क है, हमारे इन इलाकों की जीवन रेखा है जी। 4-5 अनाज मंडियां 3-4 सुपर मिल 5 विधानसभा के 3 स्टेट को जोड़ने का काम करते हैं, उसमें भी पिछले 2.5 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन इस जो पिछला सेशन गया उसमें मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया तो नेशनल हाईवे में भेज दिया गया और हमें उम्मीद है। नहीं बिल्कुल मेवा सिंह जी, देखिए इसलिए हमने आपको भी ये मंच दिया है क्योंकि आपकी बात भी पहुंच रही है और बिल्कुल लाडवा हल्के का विकास होना बहुत जरूरी भी है। लेकिन मेवा सिंह जी, एक और बड़ी महत्वपूर्ण समस्या और खासतौर से जब हम लोग किसानों का जिक्र करते हैं तो अनाज मंडी उसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसके विस्तार की भी योजना है, उसको लेकर के क्या प्रोग्रेस हुई है, कितना आगे बढ़े हैं, अगर इस विषय को आप बता पाए। देखिए मंडीकरण सिस्टम हमारे हरियाणा का पहले बहुत सुदृढ़ है, 10 साल के राज में अनेक नई मंडियां स्थापित हुई हमारे हल्के में, पीपड़ी में, लाडवा में 3 बहुत ही बढ़िया अनाज मंडियां है और हमारे हल्के में क्या पूरे प्रदेश में जितना भी सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 90% मार्केटिंग बोर्ड का बनाया हुआ ही है और पिछले 2.5 साल में मार्केटिंग बोर्ड की मैं 44 सड़कों में यहाँ पर मजदूर करवाने के लिए कामयाब हूँ, 22 सड़कें कारपेट होकर तैयार हो चुके हैं पुरानी सड़कें की रिपेयर और 22 पे अब काम चल रहा है। इसी तरह से कुछ सड़कें डीलरने की थी उनको भी मैं कारपेट करवाने में कामयाब हूँ और लगातार हल्के की लड़ाई मैं विधानसभा में लड़ रहा हूँ और अधिकारियों से मिलकर ज्यादा से ज्यादा समस्याएं हल्के का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा लाडवा हल्के की जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे जिले की जीवन रेखा है वो यहाँ पर वाटर लेवल की है जी जी जी, यहाँ पर वाटर लेवल बहुत ही दिन-प्रतिदिन गहरा जा हो चुका है और चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी से हमने बड़े लंबे समय तक लड़ाई लड़कर दादूपुर नरवी नहर को यहाँ पर बुलवाने का काम किया हुआ था जो इस सरकार ने डी नोटिफाई करने का काम किया। आज सरकार किसानों पे तो तरह तरह की पाबंदियां लगाती है, कभी ये जीरी ना लगाओ, आज किसी भी किसान को अगर उसका बॉल खराब हो जाए दूसरी जगह उसको बॉल करना पड़े या उसको अपने जीवन की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बड़ी मोटर पाने के लिए सिक्योरिटी बढ़वानी पड़े या नया कनेक्शन लेना पड़े या कनेक्शन शिफ्ट करवाना पड़े, उनपे अनेक पाबंदियां सरकार ने लगाई हुई है।
ड्रिप सिस्टम की योजना पे कंपलसरी करती, अगर जब तक किसान ड्रिप सिस्टम में लगवाएगा तो उसका कनेक्शन ना तो स्पॉट ट्रिप लाई जाएगी, ना ही टैक्स शिफ्ट किया जाएगा, ना ही नया कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, हमारा इलाका जो 100% सिंचाई ट्यूबवेलों से होती है, यहाँ पर ज्यादातर जीरी और गन्ने की फसल होती है जी। और इस जीरी और गन्ने की फसल में ड्रिप सिस्टम कामयाब नहीं है जी, जी। मैं हरियाणा सरकार से मांग करूंगा ये पाबंदियां हटाकर किसानों को कनेक्शन दिए जाए। और ये दादूपुर नलवी नहर जो हमारे यहाँ अम्बाला जक्सर जिले की जीवन रेखा है, जिससे यहाँ पर वाटर लेवल प्राप्त और इस समस्या का समाधान होता, उसको डीनोटिफाई करने की बजाय उसको दोबारा दादूपुर नलवी नहर को बनाया जाए, ताकि यहाँ के किसानों का वाटर लेवल प्राप्त करे और आराम से अपने खेती कर सके। मेवा सिंह जी, एक और बहुत अहम विषय है और खासतौर से ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जो गर्ल्स कॉलेज है या गर्ल्स इंटर कॉलेज है वो भी लाडवा के अंदर उस तरीके से नहीं है, या फिर उसकी दरकार है अभी लाडवा को, ये बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के किस तरह से आपने प्रयास किया और उसको कैसे आगे आप बढ़ा रहे हैं, अगर इसको आप बता पाए। लाडवा कस्बे के लिए लड़कियों के कॉलेज बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी, अभी तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ, उससे मैंने विधानसभा में आवाज उठाई थी और आपका विकास को लेकर के विजन क्या है, और अभी आप लाडवा वासियों के लिए आपको क्या लगता है कि कुछ प्रायोरिटीज आपने डिसाइड की होंगी कि अभी अगले विधानसभा चुनाव में जाने से पहले कम से कम हम ये लाडवा वासियों को जरूर दे करके जाएंगे, तो वो विजन क्या है आपका, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखें, लाडवे के लिए आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो कुरुक्षेत्र यमुनानगर फोर लाइन और लाडवे के बाईपास की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, और अगर ये सड़क नेशनल हाईवे में आ गई तो समस्या भी एनएच हाईवे पर आएगा, तो लाडवे का बाईपास चाहे वो कुरुक्षेत्र शहर का बाईपास चाहे वो कुछ का बाईपास, वो भी इस समस्या का समाधान मैं करवाने का प्रयास करूंगा। दूसरा जो कॉलेज गर्ल कॉलेज की बैन में बात है उसके लिए मैं प्रयास करूँ। तीसरा लाडवे से सादा फोर लाइनिंग की जो बात उसका भी प्रयास है, तो मैं विधानसभा मैंने इसको उठाया था, उसकी जीपीएस पढ़ने एजेंसी को टेंडर दे दिया गया, उसकी जीपीएस पढ़ने लग रही है, उसको भी जल्दी पूरा करवाने की बात करेंगे। और पीपीटी का बस स्टैंड जो मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट है उसके लिए भी मैं लगातार प्रयास, मेरा प्रयास है कि अगले चुनाव से पहले ये सब समस्याएं यहाँ को समाधान करवाने का मैं काम, ताकि आयुष जैसा कि आप सोचते हैं कि मैं विपक्ष का एमएलए हूँ और विपक्ष के एमएलए वाले अनेक समस्याएं आती है, लेकिन फिर भी हम प्रयास नहीं, बिल्कुल इसीलिए मैंने कहा ना मेवा सिंह जी, देखिए ये राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन अगर विकास के लिए आप संकल्पबद्ध हैं और आप ये चाहते हैं कि लाडवा का विकास हो, तो उसके लिए आप बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास को कितनी गति मिल रही है इसीलिए तो हम लोग आज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मेवा सिंह जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, ठीक है जी, ये तो आपने बताया ये आपका विजन है, इन पॉइंट्स पर आप काम करना चाहते हैं और अगली बार विधानसभा चुनाव में जाने से पहले ये आप लाडवा वासियों को जरूर देंगे, लेकिन अभी जितना कार्यकाल आपका बीता है उसमें कोई ऐसा आपको लगता है कि जो काम आपकी तरफ से किए गए हों या आपके प्रयास से सफल हो सके हों, क्योंकि आप तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का फीडबैक आपको मिल रहा होगा, कोई चीज ऐसी है या कुछ काम ऐसे जो कि लाडवा वासियों के बहुत लंबे समय से डिमांड थी उसको आपने पूरा किया हो? देखिए, लाडवा हल्के में पिपली कस्बा पड़ता है, एक रोड के ऊपर है, अभी तक वहां पंचायत है, लेकिन 10,000 वोट गांव में है, बहुत बड़ी समस्या जो बिजली की बड़ी लाइन थी मैंने आपको बताई, उसको मैं समाधान करवाने में कामयाब हुआ, जो नए पावर हाउस कोड़िया में और पीपल में बनने लग रहे हैं और जोरों से उन पर काम चल रहा है, जिस दिन वो पावर हाउस तैयार हो गए तो बड़ी लाइन की समस्या वहां से निकलने का काम शुरू हो जाएगा, और इस बड़ी लाइन की समस्या है कि 15 से 20 लोग यहाँ पर अपनी जान पा सकते, अनेक एमएलए जब से हरियाणा प्रदेश रहा लाडवा हल्के में बड़े, पहले थ्रेसर और लाडवा एक हल्का होता था, अनेक एमएलए यहाँ से बड़े, लेकिन वो समस्या जो की तो पड़ी थी उसको हटवाने में मैं कामयाब हूँ, उन पर पूरी स्पीड से जोरों में काम लगा हुआ। दूसरा जो करनाल से इंद्री तक की फोर लाइन का काम अधूरा रुका हुआ था, और जब यहाँ लाडवा में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था उसके टाइम में वो काम रुका हुआ था, उसको मैं पूरा कराने में कामयाब हूँ,
आज उसके पूरे जोरों से काम चला हुआ है। जल्दी वो सड़क पे लाडवा के अम्बेडकर चौक तक फोर लाइनिंग बन जाएगी। तीसरा, लाडवा हल्के की मार्केटिंग रोड की और फील्ड की सड़कों की हालात बहुत खस्ता थे, उन काफी सड़कों को भी मैं कारपेट करवाने में कामयाब हो। क्वारी की सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की और 10-12 सड़कें फील्ड की मैं कारपेट करवाने में कामयाब हो और भी सड़कें पाइप प्लान है उनको मैं जल्दी समाधान पड़ेगा काम। मेवा सिंह जी, एक चीज़ और थोड़ा सा आपसे मैं यह जानना चाहूँगा, क्योंकि हरियाणा में जब भी हम लोग जिक्र करते हैं तो फिर खेल खिलाड़ियों का जिक्र बहुत ज़रूरी होता है। खेलों को थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए या फिर जो लोकल प्रतिभाएं हैं लाडवा या उस पूरे हल्के की, उनको आगे कैसे बढ़ाने के लिए आपके अपने स्तर पर उसमें क्या प्रयास आपने किए हैं, इस विषय में अगर आप कुछ बता पाएं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री थे तो नई खेल नीति इनामों की उन्होंने घोषणा की थी। गोल्ड मेडल लेने वाले के लिए, सिल्वर के और कांस्य पदक लेने के खिलाड़ियों के लिए करोड़ों रुपए की उन्होंने घोषणाएं की थी और खेल को खेल ही नहीं रोजगार का साधन उन्होंने खेल नीति में लेके आए थे। गोल्ड मेडल जीतने वाले को डीएसपी तक के पद, इंस्पेक्टर के तक के पद और अनेक पदों पर खिलाड़ियों को भर्ती करके गए थे। उससे हरियाणा प्रदेश लाडवा देवी हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को बहुत ही प्रोत्साहन मिला और आज इस देश में चाहे वो कोई भी खेल है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम है, चाहे ओलंपिक है, हरियाणा के खिलाड़ी बहुत पद हरियाणा के खिलाड़ी जीत कर आते हैं। उसके लिए मैं चौधरी रुपिंदर सिंह जी का धन्यवाद करूंगा कि ऐसी पॉलिसी वो लेकर आए थे जिससे हरियाणा का युवा खेलों की तरफ बढ़ा। मेवा सिंह जी, लेकिन अगर मैं आपसे अभी तक जानना चाहूं, जितने काम आपने किए अपने प्रयास से, क्या आपको लगता है कि आप उससे संतुष्ट हैं कि हाँ जो काम आप कर सकते थे, जो कि आपके प्रयास के अंदर थे, उसके लिए आपने भरसक प्रयत्न किया है, या आपको लगता है कि अभी भी बहुत कुछ आपको करने की आवश्यकता है लाडवा वासियों? नहीं, मैं उससे संतुष्ट हूं क्योंकि सरकार विपक्ष के होने के कारण अनेक समस्याएं विपक्ष के विधायक पाती हैं और मैं कुछ करने में कामयाब हूँ और पार्टी के लिए मैं प्रयास करूंगा, प्रयास करूंगा। वो जितने भी बताया समस्याएं उनका भी मैं समाधान करने का प्रयास करूँ। मेवा सिंह जी, लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं खासतौर से सबसे ज्यादा फोकस यूथ पर होता है, फिर उस युवा वर्ग को किस तरीके से, चाहे उसको बेहतर हम लोग देखें एजुकेशन की बात हम करें या एजुकेशन होने के बाद उसके हम लोग जॉब की बात करें, रोजगार की बात करें, इस विषय को लेकर के आपके अपने स्तर पर प्रयास क्या है? तो उसकी अच्छी एजुकेशन हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, दूसरा ये है कि फिर उसको रोजगार भी उपलब्ध हो पाए, या उसके लिए आपके अपने स्तर पर क्या प्रयास हो सकते हैं कि एक दिशा मिल सके उस युवा को, इसको लेकर के कैसे प्रयास किए आप? ये मुद्दा मैंने पिछले विधानसभा के चुनाव में उठाया था और मैंने सरकार से पूछा था कि 10 साल के कांग्रेस के राज में बहुत ही इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, पॉलिटेक्निकल, आईटीआई हरियाणा प्रदेश में बढ़े थे और 7 साल के राज में ये भारतीय जनता पार्टी सरकार रोजगार देने के मामले में बिल्कुल विफल साबित हुई है। आज या तो कैसे निकाल नहीं रही, अगर निकालते हो भर्ती हो पाई कहीं पर पेपर ली, पिछले दिनों में पीएससी के कार्यालय में किस तरह से करोड़ों रुपए वहां पर पकड़े गए और आज इस प्रदेश की हालात ये है कि आयुष जी एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लो कि जितने भी बीएड कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज है आज वो बंद पड़े हैं, कोई भी नौजवानों में एडमिशन ले रहा और आज प्लस टू करने के बाद सारे बच्चे आईलैंड करके विदेश भागना चाहते हैं। मैंने विधानसभा में ये कहा था अगर यही हालात प्रदेश के चलते रहे तो हरियाणा प्रदेश में नौजवान रूठा निकलेगा। आज विदेश जाने के नौजवानों की लहर लग रही है तो इसलिए सरकार को नौजवानों को रोजगार देने के लिए समाधान करना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए ताकि वो यहीं पर अपनी एजुकेशन पूरी करें। आज जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज हरियाणा में बैठे वो सारे के सारे बड़े बड़े ताले लटक रहे हैं, वो सब बंद हो चुके हैं सिर्फ रोजगार ना मिलने की वजह से। चलिए मेवा सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने हल्के की इन तमाम बातों को बताने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए। तो मेवा सिंह को अभी आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर यह बताया गया कि उन्होंने जो वायदे किए थे उसमें से उन्होंने कितने को पूरा किया और आगे किस विजन पर वो काम कर रहे हैं, ये भी उन्होंने बताया है। आज आपका एमएलए लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना है।